नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम असम के कोकराझार ज़िले में पहुंचे हैं। कोकराझार बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय है। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोडो आदिवासियों की परम्पराएँ, मान्यताएँ और संस्कृति क्या है। इसके साथ साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2003 में बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनने के बाद क्या आम बोडो आदिवासियों की जिंदगी बेहतर हुई है। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बने बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 13 साल बीत चुके हैं। इस दौरान बोडो आदिवासियों की आकांक्षाएं कितनी पूरी हुई हैं, इसे समझने के लिए हमने कोकराझार शहर में कुछ समय बिताया। कुछ दस्तावेज जुटाए। लेकिन इस मसले को समझने के लिए जरूरी था जिले के ग्रामीण इलाकों की तरफ निकलना। कोकराझार जिले की कुल आबादी करीब 8.5 लाख है, जिसमें से शहरी आबादी मात्र 50,000 है। कोकराझार जिले के ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ते हुए हमने पाया कि ज्यादातर गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, लेकिन सड़कों के रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है। कोकराझार जिले के जिस पहले गांव में हम पहुंचे, वहां पर गांव के लोगों के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक चल रही है। इस ग्रुप की बैठक में दानेश्वर गयारी भी मौजूद हैं, जो बीटीसी के कार्यकारी सदस्य हैं, यानी कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जो 2003 में BLT असम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो BTC दिया है, इसका पहले तो ये एरिया में खुश नहीं था। हम लोग कोकराझार में पढ़ने के लिए जो मेरे स्टूडेंट लाइफ था, एक ही कॉलेज था, खुश नहीं था, आना जाना रास्ता भी नहीं था। अभी BTC बनने के बाद हमारा गांव गांव में सब रास्ता हो गया, सब कोकराझार में भी बहुत ज़्यादा कॉलेज हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन बन गया, ये BTC का बनने के बाद। लेकिन BTC का पहले खुश नहीं था। बोडो काउंसिल के नेता दावा करते हैं कि सीमित समय और सीमित साधनों में इस आदिवासी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया गया है। लेकिन 2003 में बोडो नेताओं, असम और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते में इस काउंसिल के गठन का उद्देश्य इस इलाके में कुछ मूलभूत सुविधाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस समझौते के उद्देश्य के बारे में कहा गया था, असम राज्य के अंदर स्वशासन की स्वायत्त संस्था, जिसे बोडो टेरिटोरियल काउंसिल कहा जाएगा, उस संस्था को संविधान की 6 अनुसूची की सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे ये संस्था आर्थिक, शैक्षणिक और भाषाई आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसके अलावा आदिवासियों के जमीन के अधिकार की सुरक्षा के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान की सुरक्षा इस काउंसिल का उद्देश्य था। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास करना भी एक मकसद बताया गया। अभी जो हमें मिला है वो हमारा जो विश है, हमारा जो एस्पिरेशन है, इसको एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो एकॉर्ड में साइन किया है, फ्यू पीपल वो लोग इसको देख रहा है। लार्जर जो बोडो सेक्शन है वो अभी भी स्टेटहुड मूवमेंट में ही है। 2003 में बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के अधीन कोकराझार के अलावा 3 और जिले बनाए गए। ये जिले हैं चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी। कोकराझार काउंसिल का मुख्यालय बनाया गया, सो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर भी कई बड़ी चुनौतियाँ मौजूद हैं। मसलन कोकराझार में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है।
काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ एक जिला अस्पताल है और एक सब डिवीजन स्तर का अस्पताल बना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या मात्र 19 है। ये स्वास्थ्य सुविधाएं 1068 गांवों के लिए हैं। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य के मामले में चरांग, बक्सा और उदालगुड़ी की और भी कमजोर स्थिति बताती है। जो शाही प्रोफेसर या टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है वो अभी तो फुलफिल नहीं हुआ। जो भी हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत हॉस्पिटल बनाया लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं मिला। वैसे बोडो आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़ों की तुलना देश के दूसरे आदिवासी इलाकों से करने पर स्थिति बहुत खराब नजर नहीं आएगी। लेकिन इस काउंसिल के गठन के कुछ और बड़े मुद्दे थे, मसलन भाषाई और नस्लीय पहचान एक बड़ा मुद्दा था, साथ ही आर्थिक तरक्की के नए रास्ते खोलना। इन मुद्दों का क्या हुआ ये समझना जरूरी था और इसके लिए जरूरी था कोकराझार के अलावा दूसरे जिलों की तस्वीर को देखना। सो कोकराझार में करीब एक सप्ताह बिताकर हम चल पड़े बक्सा जिले की तरफ। इन जिलों के गांव-गांव में बोडो आंदोलन के स्मारक बने हैं। 1986 से 2001 के बीच चले इस आंदोलन का एक हिंसक इतिहास भी है। इसमें बोडो चरमपंथी, गैर बोडो और सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी तादाद में जाने दी। बक्सा जिले में हमें कई बड़े स्कूल भी मिले। इनमें बोडो और असमिया दोनों माध्यमों में पढ़ाई होती है। कुछ स्कूलों में लड़कों के अलावा लड़कियों की तादाद भी अच्छी है लेकिन ज्यादातर स्कूलों में अभी भी लड़कियों की तादाद कम है। पहले तो था लेकिन आज दो तीन चार हो गया। वो तो लड़की का संख्या भी लड़की का संख्या मान लड़का लड़के की तरह हो जाता है, थोड़ा कम बेज है। बोडो माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। स्कूलों की संख्या भी कम है। मसलन पूरे जिले में कुल 11 हायर सेकेंडरी स्कूल है। चिरांग की स्थिति बक्सा से भी खराब है। यहाँ पर कुल 9 हायर सेकेंडरी स्कूल ही हैं और 2014 में मात्र 29% छात्र हाई स्कूल पास कर सके। हमारे यहाँ अधिकतम छात्र का अवस्था, आर्थिक जो अवस्था है, आर्थिक अवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए बीच में पढ़ना छोड़ दिया। बोडो इलाकों में भाषाई मुद्दा कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोडोलैंड आंदोलन से बहुत पहले 1963 में ही बोडो भाषा में पढ़ाई की मांग शुरू हुई और काफी हद तक ये पढ़ाई शुरू भी हो गई। इसके बाद 1974 में बोडो भाषा की लिपि को असमिया से अलग करने के लिए आंदोलन किया गया। इसके बाद बोडो भाषा की स्क्रिप्ट देवनागरी स्वीकार की गई। 13 into 3 = 19। लेकिन अब काफी हद तक ये समझ भी बन रही है कि बोडो आदिवासियों को अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना चाहिए। सिर्फ हमारा बोडो मीडियम को, इसमें पूरा सब्जेक्ट को बोडो मीडियम पढ़ के हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसको हम कर नहीं पाएगा। इसलिए हम भी सोच रहे बोडो मीडियम एक सब्जेक्ट रहना है, बाकी इंग्लिश होने से बहुत अच्छा है। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के नेता कहते हैं कि राज्य या केंद्र से उन्हें उतना पैसा कभी नहीं मिला जितने का वायदा किया गया था। आज 15 साल हो गया कांग्रेस का गवर्नमेंट है, उनसे हमने हमारा जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमने कांग्रेस को 15 साल मदद किया था लेकिन हम इस ब्लाइंड में चला गया हमारा। तो जो भी हो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम बीजेपी को सपोर्ट किया है इस 5 साल में। वो मोदी का जो विज़न है
मोदी जी का जो विजन है इससे हम मिलेंगे ऐसा सोच रहा है। रोजगार के मोर्चे पर आज भी खेती ही एक साधन है। बोडो महिलाएं कपड़ा बुनाई का काम करती हैं, लेकिन उत्पादन सिर्फ स्थानीय जरूरत के लिए ही किया जा रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको हमने प्रायोरिटी दे रहा है। वो लोग छोटा छोटा अपना अपना गांव में बना रहा है और बड़ा सेक्टर में हमने वो बक्सा जिला में बड़ा 35 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी बना रहा है, अभी फुलफिल नहीं हुआ। हैंडलूम सेक्टर में हमारा बहुत रिसोर्स है, अगर इसीलिए हमारा जो ट्राइबल महिला है, कारो हो, राभा हो, बोरो हो, बाखोमिया हो, सभी वो हैंडलूम सेक्टर को डेवलप करने में अगर चांस मिलेगा तो, लेकिन हम चांस नहीं दे पाया। इसीलिए हमने इस साल से जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको करना चाहता है वो BTC इलाका में। 2003 में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो नेताओं के बीच हुए करार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था गैर बोडो आदिवासियों, जिन्हें टी ट्राइब या एक्स टी ट्राइब कहा जाता है, उनके हितों की रक्षा करना। टी ट्राइब को आज भी असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। हमारा BPF पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से कोई डिस्टर्ब नहीं दिया। हमने जो आदिवासी का जो शेड्यूल ट्राइब होना है और कोस राजवंशी का जो शेड्यूल ट्राइब होना है, इसको हमने BTC गवर्नमेंट से NOC दे दिया। कोई राभा बोल सकता है उसको नहीं देना है, कोई बोरो ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकता है उसको नहीं देना है, वो पॉलिटिकल। लेकिन हमने गवर्नमेंट होके, पॉलिटिकल पार्टी होके उसको डिसीजन लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने भेजा बिफोर MP इलेक्शन वो शेड्यूल ट्राइब होना है, मेरा एक विश्वास है। कोकराझार, चिरांग और बक्सर जिलों के कई गांवों और सैकड़ों किलोमीटर घूमने के दौरान हमें बार बार इस बात का एहसास हुआ, ये आदिवासी अपनी भाषा और पहचान को लेकर काफी जागरूक और सतर्क हैं। यहाँ एक समृद्ध संस्कृति है, लेकिन रोजगार का सवाल, टी ट्राइब के मुद्दे और खेती पर जरूरत से ज्यादा दबाव मौजूद हैं। 2003 में बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनने के बाद कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कई जीवंत मुद्दे हैं जिनका समाधान करना बाकी है। एक बहस के लिए चलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जितना फंड्स में हिस्सा मिलना चाहिए BTC को, 12.9% शायद मिलना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम मिलता है उससे। गवर्नमेंट का जो फंडिंग है उसी का शेयर हम लोग मिलना था 12.19, लेकिन अब तक हम लोग जो मिल रहा है वो 3% है, 2% मिल रहा है हम लोग, तो उसी वजह से डेवलपमेंट थोड़ा स्पीड अप कर नहीं सका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैं भी भारत कार्यक्रम में, मैं हूँ श्याम सुंदर। अभी तक हमने अपनी रिपोर्ट में देखा कि बोडो आदिवासियों के जीने का अंदाज क्या है, उनके रोजगार का साधन क्या है और उनकी समस्याएं क्या हैं, रोजगार से जुड़े हुए उनके मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ कई बोडो आदिवासियों के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ इमैनुअल मुसाहारी साहब हैं जो विधायक हैं तामुलपुर विधानसभा क्षेत्र से, ये दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, इससे पहले बोडो काउंसिल के भी वो सदस्य रहे हैं 2 बार। देवन बोरो साहब हैं जो एग्जीक्यूटिव मेम्बर हैं BTC के यहाँ पर, उनके अलावा आदित्य सिंघा साहब हैं, हेडमास्टर हैं यहाँ पर एक हाई स्कूल के, और उनके साथ ही बैठे हैं देवन बोरो जो सोशल और कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इमैनुअल साहब, अगर आपके साथ चर्चा की शुरुआत करें, हम यहाँ कई बोडो गांवों में घूमे, यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर महिलाओं की बात करें तो वो बुनाई में बहुत माहिर हैं, लेकिन उसके बावजूद रोजगार के अवसरों की अगर बात करें या उनके जो तैयार किए गए कपड़े हैं उनकी मार्केट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है। हाँ, आपने सही बोला, हमारा रोते हैं उन लोग बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं, इसके अलावा हम लोग इसमें फिगारी रियरिंग में भी बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा हम ट्रेडिशनल जो
है ही वह है, खेती है हमारा मेन, तो उसी के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा ये खेती के अलावा भी हम वही कपड़े बनने का ही वही एक साधन होता है जिसके ज़रिए रोज़गार आ जाते हैं। लेकिन आपने सही बोला, जो प्रोडक्शन होता है ये कपड़ा, वो सही ढंग से मार्केट में मार्केट पकड़ नहीं सका, मतलब उसका जो सही प्राइस मिलना है वो नहीं आता है। देवेन बोरो साहब, अगर आपसे मैं बात करूं, खेती जो है वो मुख्य साधन है यहाँ पर रोज़गार का, लोगों की इनकम का, लेकिन उसमें भी हमें ये शिकायत मिली कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, जो पहले प्रोडक्शन था वही प्रोडक्शन है, जो इरिगेशन के साधन हैं वो उतने नहीं हैं, इसलिए फसल का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। तो ये ठीक है, ये हमारा यहाँ का जितना भी बूढ़े लोग है, जैसे 80% हम तो खेती के ऊपर ही खाता है, तो यह खेती करने का टाइम में जो हमको जैसे पानी सानी मिलना था लो, उस टाइम ठीक टाइम से कभी नहीं मिलता है। आदित्य जी, अगर आपके पास आऊँ, हम लोग यहाँ कई ऐसे स्कूलों में घूमे जहाँ बोडो माध्यम में पढ़ाई होती है, बोडो मीडियम में पढ़ाई होती है, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया कि जो बोडो आदिवासियों के बच्चे हैं वो हाई स्कूल जाते जाते बहुत बड़ी तादाद में स्कूल छोड़ देते हैं। क्या वजह समझ में आते, क्यों इतनी बड़ी तादाद में बोडो आदिवासियों के बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं? ये मतलब कि हमारे जो फैमिली है उन लोग का इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बोधो लोगों ने अभी तक पूर में रहना पड़ता है, गरीब है उन लोग का, वो लोग सब, इसलिए वो लोग खेती के टाइम में जो काम करता करने के लिए जो खेती में जाता है फील्ड में, तो वो लोग फैमिली जो मदर फादर है वो लोग उन लोगों को खेत में कुछ सामान भेजने की, जैसे ब्रेकफास्ट जैसे भी ऐसा ले जाना पड़ता है, इसके टाइम में वो लोग का पढ़ना टाइम लॉस हो जाता है, पढ़ने का टाइम में उन लोग नहीं मिलता है। देवेन बोरो जी, आप ना सिर्फ सांस्कृतिक और रंगकर्मी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक अध्यापक भी हैं। जो मैंने सवाल इनसे पूछा वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो जो आपका सपना है कि बोडो आदिवासी जो हैं उनका विकास हो और उस संस्कृति के बारे में सारी दुनिया को पता चले, वो कैसे हासिल होगा? ये सच बात है कि हम हमारे जो कल्चर है वो कल्चर को हम अगर प्रचार करें तो एजुकेटेड भी चाहिए, हमारे जो गांव का जो लड़की लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तभी तो समझ पाएगा कि वो कल्चर कितना मजबूत है, कल्चर कितना नीचे है, कल्चर कितना ऊंचे है, उसको समझ पाएगा। इमैनुअल साहब, आप जन प्रतिनिधि हैं यहाँ के, आपकी जितने भी आप सारे लोग बैठे हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। एक शिकायत ये भी है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल की कि जितना फंड्स में हिस्सा मिलना चाहिए बीटीसी को, राज्य का को जो केंद्र से पैसा आता है उनकी जितनी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी आज तक मिली ही नहीं है। करीब 13% के करीब 12.9% शायद मिलना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम मिलता है उससे। आपने सही बोला, अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अकॉर्ड हुआ जी 2003 में, उसी के हिसाब में पॉपुलेशन के बेसिस पर हम लोग मिलना है, गवर्नमेंट का जो फंडिंग है उसी का शेयर हम लोग मिलना था 12.19, लेकिन अब तक हम लोग जो मिल रहा है वो 3% है, 2% मिल रहा है हम लोग जी, तो उसी वजह से डेवलपमेंट थोड़ा स्पीड अप कर नहीं सका। देवेन बोरो साहब, आप यहाँ पर बीटीसी के प्रतिनिधि हैं, कितनी दिक्कत आती है फंड्स की कमी की वजह से यहाँ पर जो विकास के काम हैं या जो जनता की अपेक्षाएँ हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा करने में? यहाँ तो जीरो से स्टार्ट हुआ था, यह कुछ नहीं था, बीटीसी का आगे यह एक रास्ता अच्छा नहीं था, एक पुल नहीं था, एक ब्रिज नहीं था, एक स्कूल अच्छा नहीं था, पीने का पानी नहीं था, ये पब्लिक हेल्थ जैसे मेडिकल यह नहीं था। तो बीटीसी बनने के बाद थोड़ा थोड़ा हमने कोशिश किया, बहुत गाँव में थोड़ा रास्ता बनाया, थोड़ा छोटा मोटा तो पुल था, पुल छोटा मोटा हमने बनाया, फिर भी अभी जितना फंड हमको मिला था हमको फंड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम बहुत काम करने का अभी बाकी है जी। फंड्स की वजह से काफ़ी सेक्टर्स हैं जिन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए आप नहीं दे पा रहे हैं। आदित्य जी, आपसे अगर मैं बात करूं, अभी बोडो मीडियम में जो पढ़ाई शुरू हुई है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो बोडो आदिवासी हैं वो अभी भी एसमीज मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या अब वो बोडो मीडियम में पढ़ने को प्रीफर करते हैं?
ये सोचिए, मीडियम का ये बड़ा बात नहीं है, जो भी मीडियम है पढ़ सकता है। क्वालिटी एजुकेशन जो बोल रहा है हम लोग, क्वालिटी बोडो लैंग्वेज में भी ले सकता नहीं, है। मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ कि एक थॉट प्रोसेस होता है, एक बोडो आदिवासी के बच्चे को अगर बोडो भाषा में अगर शिक्षा मिलेगी तो शायद उसके लिए चीज़ें समझना ज़्यादा आसान होगी। जी, ये तो मदर लैंग्वेज जो बोल रहा है हम लोग, जी मदर लैंग्वेज में जितना बोलेगा जितना सुनाएगा अच्छी तरह से समझ लेगा, इसलिए अलग अलग बात दूसरा लैंग्वेज के बात नहीं है, अपना लैंग्वेज में जो होगा अच्छी तरह से हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों को क्वालिटी ले सकता है, हाँ, कि बच्चों को जितना भी पढ़ाया जाए क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। देवेन बोरो जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1963 में बोडो माध्यम में पढ़ाई शुरू हुई, 1974 में बोडो की स्क्रिप्ट को लेकर आंदोलन हुआ, फिर देवनागरी अंततः स्क्रिप्ट बनी बोडो भाषा की। कितना महत्वपूर्ण है अपनी भाषा में पढ़ाया जाना, अपनी भाषा में बात करना, उस भाषा का विकास करना। अपना भाषा तो हर जनता को ये पता होना चाहिए कि अपनी भाषा से हम अपने को विकास करना चाहिए, तो अपने माध्यम में हम अपने को सिखाना चाहिए, गार्जियन भी अपने को बोलना चाहिए कि हमारा भाषा ऊंचा हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भाषा है, जो मातृभाषा है बोडो माध्यम, वो बोडो माध्यम हम नहीं चाहते कि ये दूसरे माध्यम में ना पढ़े, लेकिन हमारे माध्यम का भी कुछ मायने रखे। जी, मैं ये चाहता जी। इमैनुअल साहब, एक बड़ी दुविधा है जो हम स्कूल्स में यहाँ गए, जो हमने देखी कि 10वीं तक, 10th क्लास तक, हाई स्कूल तक बोडो मीडियम में पढ़ाई उपलब्ध है, लेकिन 10th के बाद आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में जा सकते थे वो नहीं जाते बिकॉज उनको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो क्या आपकी तरफ से ये प्रयास है, या वो एक इतिहास की बात हो गई जब भाषा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन था? हाँ, सही बात है, क्लास 10 के बाद बोडो मीडियम में जो पढ़ता है वो इंग्लिश में शिफ्ट करना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए थोड़ा कठिनाई होता है, इंग्लिश में लिखना होता है, इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो इसके अलावा भी, लेकिन ये भी सही है, एक दो लड़का UPSC भी क्लियर किया है बोडो मीडियम। जी, ये फख्र की बात है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा ये है, हिंड्रेंस होता है फादर एजुकेशन के लिए, इसलिए क्लास 11 में भी बोडो मीडियम का ये इंट्रोड्यूस करना ये ज़रूरी है। देवेन बोरो जी, हम गांवों में जब घूम रहे थे तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि लोगों के रोज़गार, उनकी जीविका, आपने कहा एग्रीकल्चर, 80% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से ही अपनी जीविका चलाते हैं, कुछ फिशिंग करते हैं, कुछ छोटा मोटा और काम करते हैं। मनरेगा जैसी जो स्कीम है, जो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी, जो 100 दिन कम से कम साल में ग्रामीण भारत में काम की गारंटी देती है, उसमें भी पेमेंट जो है जिन्होंने काम किया है वो समय पर नहीं हो पाता है, क्या वजह है? मैंने देखा है कि अभी जैसे हम दो ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि जितना भी काम हम मनरेगा करेंगे गांव में, तो गांव का आदमी इंटरेस्टेड है, क्योंकि काम करने का कोई जगह नहीं है, तो यह कम से कम 100 दिन काम करेगा तो थोड़ा पैसा यह कमा लेगा, तो बहुत गरीब लोगों को यह काम करने का, पैसा कमाने का थोड़ा सा सुविधा मिला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये स्कीम हमको चाहिए, मेरी तरफ से अच्छा है, लेकिन एक यह है प्रॉब्लम है कि पैसा हमको थोड़ा जल्दी मिलना है। तो आप ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन भी एक इशू है, इसी कम्युनिकेशन के मुद्दे पर क्यों ना हम जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आप में से कोई बात करेगा? अच्छा, आपसे मैं बात करता हूँ, अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम है श्री सोनेश्वर बसुमतारी है। अच्छा, आप क्या क्या काहे काहे की खेती करते हैं? खेती तो ये धान खेती मेन है। हाँ हाँ, और ये मास्टर सीट वो भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ। अच्छा, आलू गोभी ऐसे। अच्छा, सब्जी, और सब्जी बेचते कहाँ पे हैं? ये अपने घर के लिए पैदा करते हैं? हाँ, घर के लिए। अच्छा, बेचते नहीं? बेचते नहीं। तो जो धान पैदा होता है उससे घर का खर्च चल जाता है साल भर का? चल जाता है। आप क्या करते हैं? ये टीचर हूँ। आप टीचर हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? गांव में, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल। तो कितने स्टूडेंट हैं आपके यहाँ पे? मेरा वर्तमान 47 स्टूडेंट है। मिड डे मील मिलता है? मिड डे मील मिलता है। टाइम पे आ जाता है? टाइम पे, क्योंकि हमें एक दो स्कूल में हमें ये पता चला कि कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। साउल टाइम में आता है। हाँ। लेकिन पैसा 4-5 आता है। हाँ, और आप में से कितनी महिलाएं जो कपड़ा बुनती है? आप सभी लोग कपड़ा बुनते हैं?
आप भी कपड़ा बनाती हैं ना? सारे कपड़े बनाते हैं। तो एक साड़ी जो बनाती हैं आप, वो कितने दिन में बनती है? 3 दिन सर। 3 दिन। और कितना खर्चा आ जाता है एक साड़ी बनाने में, जो आप वो धागा खरीदते हैं उसका? 300-400 में। और बिकती कितने की है? 1000। जी देवन साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो कौशल विकास की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है, जो केंद्र की सरकार है, तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई स्कीम, कोई कदम उठाए गए हैं आपके बीटीसी एरिया में? बीटीसी एरिया में तो काम करने का तो बहुत सस्ता है हम लोग जी, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन मेन तो थिंग है पैसा। हाँ, जो पैसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएगा यह जी। देवन बोरो साहब, आपकी इसी बात के साथ कार्यक्रम के समय की सीमा है, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। इतना हम कह सकते हैं कि 2003 में जब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ बनी, उसके बाद बहुत सारी उम्मीदें थीं, ज़रूर यहाँ पर कुछ काम हुआ है, लेकिन चुनौतियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। फंड एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितना उनको वायदा किया गया था उतना पैसा नहीं दिया गया, और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आंदोलनकारी से प्रशासन में आना और प्रशासक बनना, उसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये सब्र ज़रूर रखना चाहिए, और न सिर्फ सब्र बल्कि इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। और जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल की मांगे हैं उनको सरकार संजीदगी से लेगी, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बातें सामने आई हैं उनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ पर जो आम आदिवासी है उसके विकास में कोई मदद मिल पाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं भी भारत की पूरी टीम को यहाँ से अनुमति दें। नमस्कार।